हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी का सीएचएसएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसका एग्जाम फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। जितने भी बच्चे अभी ट्वेल्थ पास किए हैं या किसी न किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं अपना, मैं उन सब स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस एग्जाम को ट्राई जरूर करें। अब आप सोचेंगे कि आखिर सर ये CHSL है क्या, इसमें कैसी जॉब मिलेगी, क्या रहेगा, कितना पे स्केल रहेगा, कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ाई करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये कैसी नौकरी है। तो इसमें SSC जो कंडक्ट करवा रही है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये लोअर डिविजनल क्लर्क जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के पोस्ट के लिए है, ठीक, पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए है। जितनी भी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑफिसेज में जो भी क्लर्कियल जॉब होता है, जो भी गवर्नमेंट क्लर्कियल जॉब होता है, उन सब के पोस्ट के लिए ये CHSL होता है, ठीक। उसके अलावा जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उसमें जो भी डाटा एंट्री पर्सन रहता है, ठीक, डाटा एंट्री के लिए जो भी क्लर्क या स्टाफ होता है, उसके रिक्रूटमेंट के लिए ये एग्जाम लिया जाता है। इसी प्रोसेस से उनका रिक्रूटमेंट होता है। इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 19-20,000 से शुरू होके 28-30,000 तक की स्टार्टिंग सैलरी होती है, क्योंकि इसमें काफी सारी पोस्ट होती है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उन सब की सैलरी अलग अलग है, तो आप मान सकते हैं कि इसकी 19,000-20,000 से लेके 28,000-30,000 तक के बीच में इसकी सैलरी और पे स्केल होता है, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं आखिर एग्जाम शुरू कब हो रहा है, ठीक। फॉर्म शुरू कब हो रहा है आपका, 1 फरवरी 2022 से फॉर्म आ चुका है, ऑनलाइन पे आ चुका है, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, और 3 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट है, ठीक। 3 मार्च 2022 अभी आपके पास पर्याप्त समय है इस फॉर्म को भर देने का। फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। अब मेरा मानना है कि आप अपना, अगर आप इस एग्जाम को ट्राई करना चाहते हैं, तो आप अपना मन बनाना शुरू कर दें कि एक बार इस एग्जाम को ट्राई जरूर करना है। और जो इसका एग्जाम होगा वो मई 2022 में होगा, ठीक। अब अगला सवाल, सर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या मैं भी फॉर्म भर सकता हूं या कोई भी फॉर्म भर सकता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्म भरने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका 12th पास होना जरूरी है। दूसरा, आपकी एज 18 से 27 साल के बीच की होनी चाहिए। आपकी एज जो है वो 1 जनवरी 2022 से काउंट की जाएगी, कि 1 जनवरी 2022 को आप कितने साल के थे। आपकी एज 18 से 27 वर्ष के बीच की होनी चाहिए, और आपकी एज 2/1/1995, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो 2 जनवरी 1995 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच तक की होनी चाहिए। अगर आपकी एज इसके बीच में है तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं, चाहे जिस भी साइट से हो। सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए आपको साइंस स्ट्रीम का होना अनिवार्य है। अदरवाइज आप बाकी जितना भी मैंने ऊपर पोस्ट बताया था, जितनी भी चीजें मैंने बताई थी, उन सब के लिए, लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, पोस्टल असिस्टेंट के लिए, आप चाहे आर्ट के हो या साइंस के हो, मैटर नहीं करता है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक। अब आगे कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसको रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे SC ST कैटेगरीज को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब सब के लिए। जैसे 18 से 27 है तो SC ST कैटेगरी के लिए जो अपर लिमिट है वो 27 से थोड़ी ज्यादा, मतलब 5 साल एक्स्ट्रा दिया गया है। OBC कैटेगरी को 3 साल ज्यादा दिया गया है। PWD अनरिजर्व, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनको 10 ईयर्स की एग्जेम्पशन दी गई है। जो PWD OBC है उनको 13 ईयर्स की दी गई है, और जो PWD SC ST है उनको 15 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है, कि वो अपनी 27 के बाद 15 ईयर्स और ट्राई कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब आप पूछेंगे कि सर मैं समझ गया, ठीक है मैं समझ गया कि मुझे जॉब कैसी मिलेगी, पे स्केल क्या होगी, और मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, पर सर फॉर्म भरेंगे कैसे? तो फॉर्म भरने के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे ssc.nic.in से, ठीक। ssc.nic.in वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे इनका अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म है, आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। फॉर्म की फीस कितनी है सर? फॉर्म की फीस 100 रुपए मात्र, ठीक। फॉर्म की फीस है सिर्फ 100 रुपए मात्र, जिसपे विमेन कैंडिडेट का कोई पैसा नहीं लगेगा, SC ST कैंडिडेट का कोई पैसा नहीं लगेगा, PWD मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन जो कैंडिडेट है उनका कोई फीस नहीं लगेगा, और SX सर्विसमैन
जो पहले फौज में या किसी सेना बल में थे और रिटायर हुए, उनका कोई वो नहीं लगेगा, कोई फीस नहीं लगेगी, उनकी फीस माफ है। एक तरीके से देखें तो सिर्फ जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की फीस लगेगी 100 रुपए, ठीक, 100 रुपए मात्र। आप 100 रुपए भर के ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। अब आप समझ गए, आप ये समझ गए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आप ये समझ गए कि आपकी एज उस गैप में आती है या नहीं आती, आप ये भी समझ गए कि पे स्केल कैसी रहेगी, फॉर्म कहाँ से भरना है। अब बात फंसती कि सर पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा बनेगा, इसमें पढ़ना क्या क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये 3 लेवल में होती है। अभी जो एग्जाम हो रहा है वो Tier 1 का हो रहा है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का मतलब है कि यह एक ऑनलाइन एग्जाम है। आप जाएंगे, आपके सामने 100 क्वेश्चन खुलेंगे, 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 60 मिनट, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें से 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, ठीक, 25 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे, और 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आप समझ गए। जनरल इंटेलिजेंस क्या होती है कि आपको जैसे एक एग्जांपल दें कि आपकी जनरल इंटेलिजेंस क्या हुई, कि आपके पिता के भाई का बेटे की पत्नी का भाई आपका क्या लगेगा। तो इस तरह से ये एक जनरल इंटेलिजेंस का सवाल है, इसको फैमिली ट्री कहते हैं। इस फैमिली ट्री का सवाल आता है और भी बहुत सारे इस तरह से सवाल है, ठीक। तो वो जनरल इंटेलिजेंस के सवाल होते हैं। आपका बेसिक अर्थमेटिक स्किल, जिसमें आपकी 10th लेवल तक की मैथ्स पूछी जाती है। 10th लेवल तक में आप जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री होती है, वर्क एनर्जी पावर होती है, और इस तरह से रिलेटिविटी की थ्योरी है, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स, इस टाइप की चीजें 10th तक की मैथमेटिक्स पूछी जाती है। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, जो डे टू डे आपका चल रहा है, वो पूछा जाता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, टिक मारना होगा। 1 क्वेश्चन 4 ऑप्शन, सही जवाब का मार्क्स है, गलत जवाब का आधा नंबर डिडक्शन भी है, माइनस मार्किंग भी होती है। अगर आप एक भी आंसर गलत करते हैं तो हाफ नंबर कटता भी है, ओके। तो इस तरीके का सवाल आता है। अब आप कहेंगे कि सर तैयारी कैसे करें, तो तैयारी इसी YouTube चैनल पे जल्द ही शुरू की जाएगी। आपको क्लासेस शुरू में दिए जाएंगे, आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस दी जाएंगी, इंग्लिश की क्लासेस दी जाएंगी, जनरल इंटेलिजेंस और करंट अफेयर्स भी समय समय पे बताया जाएगा। मैं कहता हूं कि अभी आप, अभी मई में एग्जाम होगा, अभी आपके पास 4 महीने का पर्याप्त समय है। पेपर बहुत आसान होता है, बस इसमें है कि आपको समय को मैनेजमेंट करना है। समय टाइम मैनेजमेंट में अगर आप सक्सेसफुल रहते हैं तो ये पेपर बहुत आसान होता है, और अगर आप ट्राई करें इसको तो ये पेपर क्वालिफाई करना कोई कठिन काम नहीं है। इसमें सिर्फ आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं और गलत क्वेश्चन के आधे नंबर कट भी जाएंगे। तो ये 2 चीजों का अगर आप ख्याल रख के अपनी तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि यह एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत आसान है। ये Tier 1 है, जो Tier 1 में क्वालिफाई करता है फिर वो Tier 2 पे चला जाता है। Tier 2 में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, आप अगर उसको क्वालिफाई करते हैं तो 3rd में आपकी स्किल ट्रेनिंग होती है, मतलब स्किल टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में जो लोग नॉन मतलब डाटा एंट्री जॉब के लिए हैं, उनको 15 मिनट में 2000 से 2500 वर्ड टाइप करने होते हैं, और जो डाटा एंट्री जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 15 मिनट में ऑलमोस्ट 4000 वर्ड, 3500 से 4000 वर्ड एंट्री करने होते हैं, ठीक। तो वो तो सेकेंडरी चीजें हैं, वो तो अभी तो आपके पास बहुत समय है उसको, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। अभी फिलहाल Tier 1 के एग्जाम के लिए आपको इतनी चीजों की आवश्यकता है। तो अगले वीडियो में आप, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि SSC का फॉर्म कैसे भरे। थैंक यू वेरी मच।